हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं विनीत और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी को भी हैंड पैसे उठा के और फूंकने वाला वीडियो, और ये काफ़ी अच्छा तरीके से वीडियो वायरल चल रहा है, काफ़ी अच्छा इसमें व्यू मिल रहा है, लाइक मिल रहा है। तो आप कुछ इस तरीके का वीडियो बनाएंगे तो आपको भी कुछ लाइक और फॉलोअर्स बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों इसी वीडियो का ट्यूटोरियल मैं शुरू से लेकर लास्ट तक दूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके बेल का घंटी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल प्रेस करके रखें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर ट्रेंडिंग टाइप का वीडियो डेली 2-3 आते हैं और आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी है, मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स या कुछ पूछना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इस तरीके का वीडियो शूट कर लेना, आपको दो पार्ट में वीडियो शूट करना है, एक ये देख लीजिए और एक ये देख लीजिए, एक ग्रीन स्क्रीन पे कर लेंगे और दूसरा जो है वो एक नॉर्मल वीडियो शूट करना है। उसके बाद से अब आपको ले चलते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन में, वहाँ पे कैसे वीडियो को एडिट करना है पूरा स्टेप वाइज स्टेप करके आपको सिखाएंगे, तो चलिए सीख लेते हैं। तो अब हम आ गए अपना स्मार्टफोन में, उसके बाद से काइनमास्टर एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे और आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, यह प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से 9:16 का रेशियो सिलेक्शन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको जो वीडियो आपने शूट किया हुआ है वो वीडियो लेके आएंगे, जो आपने जो मेरा बिहाइंड द सीन देखा जो मैंने शूट किया उस तरीके के वीडियो एक लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए हम मीडिया पे जाएंगे और मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों उस वीडियो को लेके आ जाएंगे जो वीडियो मैंने शूट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक वीडियो है जो मैंने शूट किया है, तो इसको मैं पहले लेके आ जाता हूँ। और इस तरीके का सबसे पहले आप साउंड इसका जो है दोस्तों ऑफ़ कर देंगे, यहाँ से मैं ओके करता हूँ। और इस तरीके का ये आप पहला वीडियो शूट किए हैं, दूसरा जो आप शूट किए हैं वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किए हैं, तो उसको भी लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों लेयर पे जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा होगा मीडिया का, तो देखिए मैंने दोनों वीडियो लेके आ गया। उसको लेके आने के बाद ये ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो आप शूट किए हैं ये वीडियो भी लेके आ जाएंगे, और इसको एडजस्टमेंट आप करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका दोस्तों ये ग्रीन स्क्रीन जो है इसको हटाने के लिए हम चलते हैं इधर राइट साइड में, आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, आपको जाना है क्रोमा की में। क्रोमा की में जाने के बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे की कलर का एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करके आपको की सिलेक्शन कर लेना है, जो आपका की है जैसे जो आपका पर्दा है उस तरीके का कलर आपको सिलेक्शन करना है, और यहाँ से इसको हम इनेबल करते हैं। जैसे इनेबल करेंगे देखेंगे आपका कुछ कुछ हट जाएगा लेकिन पूरा प्रॉपर नहीं हटा है, तो उसके लिए ये परसेंटेज वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप यूज़ करेंगे। इसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो ये देखेंगे कि पूरा पूरी जो है आपका वो हट जाएगा, बहुत ही अच्छा से हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरीके से मेरा जो ग्रीन स्क्रीन है हट गया है। और इसके बाद से दोस्तों ये जब आप शूट कर रहे हैं तो आपका लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा, तो बहुत आसानी से ये हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए कुछ वीडियो ये इस तरीके का है, मैं इसका भी साउंड ऑफ कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए कुछ इस तरीके का ये वीडियो शूट किया था मैंने और ऐसे बैठा दिए हैं, उसके बाद से हैंड जैसे कर रहे थे हैंड के ऊपर हम लोग लेके चले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हैंड के ऊपर चला गया दोस्तों, यहीं पे आपको बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, आपको ये वीडियो पे क्लिक करके और यहाँ पे सीजर पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से स्प्लिटेड प्लेट करके काट लेंगे वीडियो को, ठीक है। मतलब आप जो ग्रीन स्किन वाला जो वीडियो है उसको कट कर लिए, इसको यहीं पर रखे हैं, ठीक है। अब इसको देख लेंगे, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट अगर आपको करना है तो इसको एकदम हैंड पे करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद से ये लेफ्ट साइड में एक की का एक ऑप्शन मिल रहा होगा चाबी का, तो चाबी वाला पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसको जो है जूम कर लेंगे दोस्तों, जो अगर दो उंगली से जूम करते हैं तो बहुत काफ़ी अच्छा तरीके से आप इसको सेटिंग कर पाएंगे। अब ये देखिए जैसे जैसे हैंड ऊपर उठाएगा वैसे वैसे जब तक नहीं उठा रहे या प्लस पे टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे प्लस पे टैप करेंगे, फिर जैसे ये हैंड उठाया वहाँ पे ले जाकर रख देंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर उठा रहा है तो प्लस वाला ऑप्शन को टैप करके यहाँ से और थोड़ा सा उठा दीजिए, फिर थोड़ा सा उठाइए, फिर थोड़ा सा उठा के ऐसे हैंड पर रख दीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे ये हैंड अपना ऊपर कर रहा है वैसे वैसे अपना अपने आप को इधर प्लस वाला पे टैप करके इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करके अपना हैंड पे ले जाके रख देना है, फिर ऐसे ही करना है दोस्तों। आप ध्यान से देखते रहिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा, आपसे बात करूँगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ऐसे ऐसे करके आप ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर आसान तरीक़े से बताऊँ ताकि आप बिल्कुल आसानी से बना पाएँ।
देखिए जहाँ तक ये हैंड आपका मूव कर रहा है वहाँ तक लेके जाएंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा और है कि यहाँ पे ले जाके ये स्थिर कर लिया है हैंड को, तो यहाँ पे हैंड पे रख लेंगे, फिर थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे और देखेंगे ये यहाँ से फूंक रहा है, तो फिर एक बार क्लिक कर लेंगे और फूंक रहा है दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ से ये फूंका है, तो ये थोड़ा दूर में हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से ये फूंक रहा है, तो प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से स्पीड में पीछे कर देंगे, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे बना है, तो आप एक बार देख लीजिए। इसको मैं छोटा कर दिया, एक बार प्ले करता हूँ। और दोस्तों ये ऐसा वीडियो है, इसमें कोई भी सॉन्ग आप लगा देंगे तो चलेगा, ये कमाल का चलेगा। कोई भी आप सॉन्ग इसमें लगा सकते हैं, कॉमेडी वाला सॉन्ग, कोई भी कॉमेडी वाला सॉन्ग आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे हैंड को उठा रहा है वैसे ये उठ रहा है, ऊपर चला गया और ऐसे फूकेगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से भाग भी गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आप वीडियो बनाना सीख गए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और गाइस दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और इस दोस्तों इस वीडियो को सेव एंड शेयर करने के लिए आपको ये शेयर वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे 720 और 30 करके एक्सपोर्ट वाले एक्सपोर्ट पर टाइप कर देंगे तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, जय माता दी, जय हिंद।